देख रहे हो कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ होगा, किस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ होगा इस बाइक का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही तुम्हारे सिंधु भाई की गली से और मेरी सोना बेबी के घर से। देखो सोना बेबी क्या लाई है, हेलमेट। तो अभी भाई आज का कुछ प्लान ऐसा है कि हमें जाना है, बाय बेबी। तो भाई आज का कुछ प्लान ऐसा है कि यार विपिन भाई की ना गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। दिक्कत क्या यार, वो ना खैर वारंटी में तो थे ही, सिंटेक कंपनी के जो हमने वो लगवाए थे हैजार्ड, तो वो दिक्कत दे रहे। देखो प्रॉपर नहीं चल रहे दोनों एक साथ ही चल रहे, तो इसी को ठीक करवाने के लिए जा रहे हैं करोल बाग वापस, क्योंकि वारंटी में थे तो अभी तो हो जाएंगे ठीक। तो चल रहे जल्दी जल्दी, ज़्यादा लेट भी करना ठीक नहीं है। विपिन भाई गाड़ी मोड़ रहे हो? नहीं, यहीं सीधा। तो भाई वो चल रहे हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं घर से। गाड़ी में दिक्कत आ गई थी तो वो ठीक मिनट बाद निकलेंगे, वो ठीक कराना तो ज़रूरी है। तो विपिन भाई ये रे बैठे हुए हैं। आज सोचा था कि गोप्रो का सिस्टम कर लेता हूँ, बट यार मैंने सोचा क्या ही अपने दोस्त से मांगना, मामा का भी दूर जाना पड़ेगा, क्या पता वो बिजी भी हो इस चक्कर में। भाई मन नहीं कर रहा मांगने का, बट कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन से ही शूट कर लेंगे यार अपन, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अभी रास्ते में चलते चलते। भाइयों हमारे आगे ना एक बची बची जो गली एकमात्र ठीक थी वो भी आज खोद दी गई है। वो देखो सामने क्या खड़ा भाइयों, जेसीबी। थोड़ा जूम करता हूँ दिखाता हूँ, देखो भाइयों वो खड़ा जेसीबी, चल रही है खुदाई फुल चैनमैन करके। एक ही एकमात्र ऐसी गली थी जो अभी तक जिंदा बची थी, उसे भी मार दिया गया है। अभी थोड़े दिन बाद बोलेंगे जब रोड रोड बन जाएंगे ना हमारे यहाँ के, फिर बोलेंगे कि यार अब तो मैं बंदा ही अंदर भूल गया, पाइप लाइन तो छोड़ो। तो अभी चलते हैं, चलते थोड़ा रास्ते बाहर निकलते हैं यार अपने यहाँ से। अभी थोड़ा जाम भी लगने वाला है क्योंकि स्कूल के बच्चे की छुट्टी होगी ना, 2 बज रहे हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं करोल बाग, जल्दी जल्दी ठीक करवाते हैं अपने धनों को। तो भाइयों आ चुके हैं हम गेट नंबर 2 से बाहर, नैरोली टू बदरपुर रोड। अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा लाडो सराई की तरफ, वहाँ से जाएंगे हौज खास होते हुए सीधा इंडिया गेट वाले रोड पे। मिलते हैं भाइयों फिर, है ना। तो देखो भाई कुछ इस प्रकार का आ रहा है व्यू, ये चेक करो भाई सामने क्या है, कुतुब मीनार। हाँ चलो भाई ग्रीन लाइट पे हो गई, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पे निकलने का मतलब भाई जाम में फंसे रहना, ये देखो भाई कितना तगड़ा जाम है रेड लाइट पे, बहुत तगड़ा। और ये रेड लाइट ना ग्रीन लाइट हो रखी होगी, बस कुछ आड़े टेढ़े लोग हैं ना, जो कुछ आड़े टेढ़े लोग हैं जो ग्रीन लाइट में भी इधर उधर की तरफ घुस जाते हैं, ये जाम बस उनकी वजह से लगता है। पता नहीं लोगों को कब पता लगेगी कितनी ग्रीन लाइट होगी, मिलते जाम में निकलने के बाद। साथ भाइयों ये चेक करो क्या है, हम कहाँ चल रहे हैं, फुटपाथ पे। और रोड देखो औचकास वाला पूरा जाम पड़ा है, जो औचकास के लिए जा रहा है एंड तक जाम पड़ा है। अभी विपिन भाई ने चढ़ा दिया फुटपाथ पे, ज़्यादातर बाइक वाले बंदे ना फुटपाथ पे चल रहे हैं। ओहो ओहो देख रहे हो क्या हालत, हाँ देखो सड़ में लगने से बचे हैं तुम तो। ये कैसे उतरेगी आगे से आ जाएगा, जय श्री राम को सुनता था, जय श्री राम बोल के। भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत नीचे है। ओ भाई निकल गई, भाई निकल गई निकल गई निकल गई भाई। हो हमने सोचा था नहीं निकलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत नीचे और फुटपाथ से नीचे उतारी है, बड़ी मुश्किल से निकली है। लगता ना भाई पक्का नुकसान हो जाता नीचे का। ये चेक करो भाई BMW GT 310। तो भाइयों एक बार फिर से आ चुके करोल बाग, रास्ते में शूट इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि यार बहुत रश था, तो देखभाल भी करना पड़ता सब कुछ। विपिन भाई उतर गए निंजा कर दी पार्क, और एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने सजाम भाई की शॉप पे, यानी कि SKD ओल्ड शॉप। तो जल्दी जल्दी मिलते हैं भाई से, बताते हैं प्रॉब्लम क्या क्या हुई है गाड़ी में। तो भाइयों अभी ले लिए लस्सी, अब जल्दी जल्दी पी रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही थी। अभी सजान भाई की दुकान से ना पानी भी पीना है, बड़ी तेज प्यास आ रही है, उसके बाद सजान भाई से मिलवाते तुम्हें। तो भाइयों आओ तुम्हें मिलाते हैं सजान भाई से, हैं सजान भाई से आज हमें शिकायत करनी है बहुत सारी, ठीक है भाइयों। सजान भाई क्या हाल है भाई, कैसे परेशान कर रहा है यार, अब क्या ही बताया, वो तो भाई से ऊपर बात है, लेकिन ये अच्छी बात है इसी बहाने मिलने को आता हूँ। अरे भाई इनसे ना मानोगे नहीं, जब से बाइक लिए तब से ऐसा दोस्ती का रिश्ता हो गया है, क्या ही बताओ, जो बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता होता है ना। बड़े भाई हमारा अरे अरे नहीं नहीं भाई, बड़े भाई है छोटे भाई हमें,
तुम मानोगे नहीं भाई, बहुत प्यारा रिश्ता हो गया एकदम भाई हो जैसा, और भाई को मेरा नाम भी याद है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई अभी जल्दी जल्दी रखते हैं हेलमेट भाई दुकान में, फिर थोड़े देखते हैं गपशप मारते हैं क्या दिक्कत है गाड़ी में, चेक करवाते फिर मिलते हैं। तो भाई वो फाइनली सजाम भाई से मिलवाने के बाद मैं बैठ चुका हूँ दुकान के बाहर, और ये घड़ी अपनी दन्नो देखो सीट कवर हटा दिया है, अब भाई चेक कर रहे हैं कि क्या बीमारी है। बाइकों के डॉक्टर तो यही लोग हैं भाई, वैसे डॉक्टर और भी होते हैं, तो बाइकों के डॉक्टर यही लोग माने जाते हैं। और तुम्हें भाई प्यारी चीज़ को प्यारी यार बहुत बेकार चीज़ दिखाओ, जिस बंदे की गाड़ी होगी तो बड़ा दुख हुआ होगा। देखो भाई आगे की पूरी वाइजर की अत्याची हो गई है और पूरी हेडलाइट की अत्याची हो गई है, तो वो चेंज करवाने आया भाई, देख रहे हो कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ होगा, किस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ होगा इस बाइक का, समझ सकते हो बड़ा दुख हुआ होगा इस बंदे, बट कोई नहीं यार दिल तो हुई है ना, जल्दी जल्दी देखो हमारी धन्नो भी हो रही है ठीक, भाई इसकी नब्ज पकड़ रहे हैं अभी, नब्ज पकड़ रहे हैं अभी इसकी, फिर चेक करते हैं, फिर जल्दी जल्दी ठीक कराने के बाद निकलते हैं अपन भी यहाँ से। तो भाई से दो तीन चीज़ें और पूछनी थी, वो भी पूछ ली है, अगली बार आएंगे तो वो भी ले जाएंगे, मनी नहीं है, मनी प्रॉब्लम। फाइनली भाइयों गाड़ी की मरम्मत तो चालू हो गई है, अब भाई कर रहे हैं चेक, ये एक एक करके जला के देख रहे हैं पैटर्न्स कि कितने कितने पैटर्न हैं, बट अभी शायद लग रहा काम पूरा हुआ नहीं है क्योंकि अभी भी लगे पड़े हैं, और यहाँ बैठे बैठे करीब हो चुका है हमें एक से डेढ़ घंटा, काफ़ी टाइम लग गया काम करने में। और तुम इसी के साथ भाई चेक करो कि मौसम भाई क्या प्यारा हो रहा है, मौसम बिल्कुल धूप थी जब हमें आए थे अभी, भाई देख रहे हो क्या प्यारा मौसम हो गया, पूरी करोलबाग की मार्केट देखो तुम, अभी पता नहीं क्या हुआ है, भाई कह रहे हैं कि एक चीज़ की कमी रह गई है वो पूरी करते हैं, तो अंदर गए हैं जल्दी जल्दी लेके आते हैं, देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, डेढ़ घंटा तो हमें हो ही गया बैठे बैठे, काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए यार। R5 का ये कलर वाइट बहुत प्यारा, भाई देखो R5 वाइट में कितनी प्यारी लगती है, ये देखो फुल चैन में लगती है भाई, R5 है भाई मस्त R5 भी। तो भाई इतना वेट करने के बाद फाइनली हो चुका है काम खत्म, प्रॉपर चेक हो चुका है एकदम, सब चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो देखो भाई विपिन भाई ने कर दें चेक, बढ़िया चल रहा है मामला, प्रॉपर काम हो गया चेक, देखते हैं और कुछ भी बाकी तो नहीं है, खैर सारा पेपर वर्क वगैरह हो गया है, बढ़िया डॉक्टर की टीम हो गया, और ये हमने R5 V4 की दिया रेडिएटर के लिए, क्योंकि साहिल भाई को ज़रूरत है रेडिएटर ग्रिल की, उनकी ख़राब हो गई थी तो यहीं से हमने बाय कर ली है रेडिएटर ग्रिल R5 V4 की, तो घर जाते जाते साहिल भाई को भी देनी पड़ेगी, तो मैं साहिल भाई से भी मिलवा लूँगा, और एक स्पेशल बात तो साहिल भाई के यूट्यूब पे पूरे हो चुके हैं 1.1 के समथिंग हो गए हैं सब्सक्राइबर, अब कुछ दिनों में चैनल भी मोनिटाइज हो जाएगा, तो कंग्रेचुलेशन साहिल भाई, आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, तो मिलते हैं अभी चलते हैं घर, साहिल भाई को रेडिएटर ग्रिल पकड़ाएंगे उनकी, निकालते हैं गाड़ी यहाँ से, पूरी धन्नो हो गई है सेक्सी, अब बस ये गद्दी वद्दी इसकी पैक होगी प्रॉपर तरीके से, फिर चलते हैं जल्दी से घर। तो भाई वो फाइनली अपनी निंजा हो चुका पूरा काम पैक, और गद्दी भी कर दी है एकदम पैक, और देखो हैजार्ड भी एकदम बढ़िया चल रहे हैं एकदम ओके, तो मगर आज हमारे मोनू भाई आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने हमारी गाड़ी का काम नहीं किया भाई, इस बात से नाराज हूँ मैं है। तो भाई आज हमारी गाड़ी का काम भाई ने नहीं किया है, आज हमारी गाड़ी का काम किया इन भाई ने, जल्दी जल्दी मिलते हैं सजाम भाई से, फिर निकलते हैं घर की तरफ, ये काफ़ी लेट भी हो गए यार, मिलते रास्ते में, पहले सजाम भाई से मिलवाऊंगा तुम्हें। तो भाई हम तो थे निकलने के चक्कर में, मगर यहाँ क्या हो गया, देखो बारिश चालू हो गई भाइयों, ये देखो बारिश चालू हो गई, यहाँ निकलने के लिए बैठे थे भाई, देखो कितनी तेज़ बारिश होने लगी है यार, हम तो निकलने घर जाने की सोच रहे थे, मगर इस बारिश में तो लग रहा है कि भाई घर जाना हो ही नहीं पाएगा, देखो क्या तगड़ी बारिश हो रही है भाई, फुल व्यू आ रहा है कैड़ा। और इसी के साथ मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी यहाँ पैन बोलिंग देखोगे, ये देखो भाई भाई ने हटा दी, हटा दी भाई, हटा दी भाई ने, अच्छा चैनल चला हुआ है क्या, देखो भाई मैं ही चल रहा हूँ यहाँ पे भी, देख रहे हो भाइयों, मैंने कहा था तुम्हें सजाम भाई से मिलवाऊंगा, देखो यहाँ पे बन गई नाली, और सजाम भाई ने निकाल दी हमारी गाड़ी बड़े प्यार से, अब हमारी तो हाइट छोटी है, मेरे तो पूरे पैर भी नहीं आते इस पे, विपिन भाई भी डर डर के निकालते हैं, मगर सजाम भाई ये एक्सपीरियंस वाले बंदे, क्योंकि इनका ही डेली का काम। तो भाई मैंने कहा था सजाम भाई से मिलवाऊंगा, तो अभी मेरे इनसे अलविदा, चलते हैं घर की ओर, अगली बार फिर आएंगे भाई, जरूर आएंगे, तो भाई मिलते हैं, चलो भाई, हाँ चलो भाई, हैं भाइयों हेलमेट वगैरह लेते हैं अंदर दुकान से, फिर चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं रोड पे, कीचड़ भर गया हो भाई पूरा,
हम किसी के अंदर रखे हैं। तो भाई विपिन भाई को पकड़ा दिया उनका हेलमेट, अब मेरा ले लेता हूँ मैं। रेडिएटर ग्रिल मोनू भाई, तो मोनू भाई दे रहे हैं रेडिएटर ग्रिल। ये रही, मिलते हैं भाई अगली बार। तो भाई चल रहे अपन जल्दी जल्दी घर, रास्ता मिलता है। तो भाइयों फाइनली करोल बाग के मार्केट से तो निकल चुके हैं अपन बाहर की तरफ, अब चल रहे हैं घर की ओर। तो रास्ते में आपको सिनेमैटिक शूट दिखा देंगे तक थोड़े से विथ म्यूजिक, मजे लो भाइयों राइड के फुल एकदम कैड करके। बस जाम ना मिले यार क्योंकि बारिश हो रही है। जैसा कि आपको पता है साहिल भाई के लिए लेने गए थे हम रेडिएटर ग्रिल, और विपिन भाई की गाड़ी का भी काम करवाने गए थे। तो भाई के हाथ में दे दिया हमने रेडिएटर ग्रिल, ये रहा R15V4। तो और ये रहा हमारे साहिल भाई, सपोर्ट करो। तुम्हें तो पता ही है भाई के 1.1 के हो चुके हैं कुछ 1.3 कम बता दिए क्या। तो भाई इसी के साथ साहिल भाई को हमने उनकी चीज दी है, चलो चलते हैं देखते हैं जाते साहिल भाई के साथ। तो फाइनली भाइयों इतनी देर बाद अपनी गाड़ी को मिल चुका है स्टॉप, और ये रही अपनी धन्नो, और वो रही साहिल भाई की। देख रहे हो भाई साहिल भाई की हट, भाई साहिल भाई की गाड़ी पे देख रहे हो सबसे आगे क्या लिखा है, डेविल व्लॉग्स। और ये रहा वो डेविल है भाई, डेविल है भाई। तो अभी भाई की शॉप पे आए रेडिएटर ग्रिल लगवाने के लिए, यहाँ पे फुल बातचीत में। R15V4 क्यों नहीं लग रही, तो फिर कहीं और चलना पड़ेगा, मार्केट में एलिगेंट के लगा दीजिए पता है सस्ते मैकेनिक है भाई इनके बस की बात नहीं। सो फाइनली भाइयों सारी जगह सफर तय करने के बाद आ चुके हैं वापस अपनी गली में, और देखो भाइयों ये खड़ी अपनी धन्नो पार्क कर दी थी यहाँ पे फुल एकदम बिकट तरीके से। और इसी के साथ भाइयों आज हमने किए बहुत फन जैसा कि तुमने देख ही लिया है, तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो भी नया ब्लॉग आए वो सबसे पहले किसके पास आए, आप लोगों के पास। तो इसी के साथ मिलते हैं भाइयों अगले ब्लॉग में नई मस्ती नए फन के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।